बड़वानी जिले में गरमाई राजनीति, जयस और बीजेपी आमने सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ प्रगति सिन्हा। भाजपा अजजा मोर्चा जिला बड़वानी महामंत्री प्रकाश चौहान ने राष्ट्रीय जयस पर 15 बिंदुओं की टिप्पणी कर लगाए धर्मांतरण में लिप्त होने के आरोप। राष्ट्रीय जयस ने आज तक अपना उद्देश्य और विचारधारा नहीं बताई, अपने संगठन की दिशा नहीं बताई, राष्ट्र के प्रति संदेश नहीं दिया। इस तरह बिना लक्ष्य के आप समाज को क्यों गुमराह कर रहे हो? अंतिम सवाल, क्या राष्ट्र जयस के एजेंडे में हिंदू धर्म का विरोध लिखा है? क्योंकि जयस के विभिन्न कार्यकर्ताओं द्वारा हिंदू देवी देवताओं, धार्मिक त्योहारों का विरोध पूर्व में हो चुका है। जवाब दे हीरा लावा जी, राजू पटेल जी, आनंद राय जी, आपके जवाब के इंतजार में एक राष्ट्रवादी जागरूक आदिवासी। प्राइम न्यूज 24 के लिए रफीक खान की रिपोर्ट। देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप शॉर्ट नोटिस में आप लोग इतने कम समय में यहाँ एकत्रित हुए और मुझे आपके सामने कुछ कहने का मौका दिया। आज ये प्रेस वार्ता जो रखी गई है, ये बड़वानी जिले में प्रचलित, आप सभी सुन भी रहे हैं, जो रात दिन सुर्खियों में छाए हुए हैं, ऐसे राष्ट्रीय जयस संगठन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्योंकि मैं स्वयं आदिवासी समाज का एक सच्चा सेवक हूँ, मैं जानता हूँ, जो मैं काम करता हूँ मैं समझता हूँ उस बात को। राष्ट्रीय जयस से कुछ बहुत सारे सवाल करना थे, सवाल तो हज़ारों की संख्या में है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिन्हों में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के माध्यम से अगर मैं पूछूंगा तो कहीं ना कहीं वो जवाब हमें मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत प्रयास किए और मेरे संगठन ने बहुत प्रयास किए उनसे ये जवाब मांगने के, लेकिन आज दिन तक कोई भी किसी प्रकार का एक भी प्रश्न का जवाब आज तक ना तो राष्ट्रीय जयस के संरक्षक हीरा अलावा जी ने दिया, ना इस बड़वानी में कार्यरत प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजू पटेल ने दिया, ना आनंद राय ने दिया। हालांकि आनंद राय जी तो आदिवासी है भी नहीं, पता नहीं वो क्यों ये काम करते हैं, इस प्रकार के हमारे समाज को क्यों गुमराह कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है, पर ये सवाल उनसे भी रहेंगे। क्या है सवाल? देखिए, सवाल की लिस्ट 5-15 सवाल है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो मैंने तैयार की हैं। मैं राष्ट्रीय जयस से पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल नंबर एक है, क्या राष्ट्रीय जयस नामक संगठन धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई कदम उठा रहा है या नहीं? बड़वानी जिले में सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या, विकराल समस्या है धर्मांतरण। हमारा आदिवासी समाज अधिक से अधिक रूप में अन्य समाजों में, अन्य धर्मों में जा रहा है। ये लोग लड़ाई लड़ते हैं कि हम धर्मांतरण काम कर रहे हैं, मतलब ये कहते हैं कि हम आदिवासी को बचाने का काम कर रहे हैं, हम हमारे पुरखों की संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो धर्मांतरण हमारे चारों विधानसभाओं में हो रहा है उसकी संख्या देख के लगता नहीं है। इसलिए मेरा प्रश्न है इनसे कि क्या यहाँ धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा मेरा इनसे सवाल है कि राष्ट्रीय जयस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धर्मांतरित आदिवासी कार्य कर रहे हैं, उनके संगठन में कार्य करने से आदिवासियत को कोई खतरा है कि नहीं है? जो व्यक्ति धर्मांतरित हो चुका है, जो मेरा आदिवासी भाई धर्मांतरित हो चुका है, वो जयस के साथ कंधे से कंधा मिला काम कर रहा है, क्या हमारे आदिवासी युवा जिनको किसी न किसी नाना प्रकार के बहानों से रैलियों में ले जाया जाता है, क्या वो उनके संपर्क में आके मूल धर्मों को नहीं छोड़ेंगे क्या? ये सवाल है मेरा दूसरा। तीसरा सवाल मेरा है, धर्मांतरित आदिवासी विदेशी फंडिंग से भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, उनमें राष्ट्रीय जयस के कार्यकर्ता भी देखे गए हैं, क्या ये सही है कि गलत है? पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पार्टी थाने का घेराव किया गया, कथित सतीश डुडवे के ऊपर जो FIR दर्ज हुई थी शासकीय कार्य में बाधा डालने की, उसके विरोध में राष्ट्रीय जयस ने आंदोलन किया, कई आदिवासी युवाओं को इकट्ठा करके वहाँ पर रैली करी और आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसमें कथित अनार सिंह जमरे, जिसका कि मैंने स्वयं ने आज से तकरीबन वर्ष भर पूर्व राजपुर विधानसभा के ग्राम नगर राजपुर के अंदर ही मैंने उनको रंगे हाथ पकड़ा था धर्मांतरण की सभा में भाषण देते हुए और मेरे आदिवासी भोले भाले भाइयों को धर्मांतरित करवाते हुए, और इसमें उन पर FIR भी दर्ज हुई थी, वही व्यक्ति भाषण दे रहा है वहाँ पार्टी थाना के घेराव में,
उसी व्यक्ति का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, ये यूट्यूब पे चल रहा है, आप सभी ने देखा भी होगा, सभी पत्रकार बंधुओं के नॉलेज में भी होगा। तो मेरा ये तीसरा सवाल जो है अति महत्वपूर्ण है कि जो लोग धर्मांतरित हो चुके हैं उन आदिवासी कार्यकर्ताओं को जयश काम करवा रही है, तो क्या उससे हमारा समाज धर्मांतरित होगा कि नहीं होगा, इसकी चिंता कौन करेगा, ये तीसरा सवाल था। चौथा सवाल, क्या आदिवासी ईसाई धर्म जा रहे हैं ये राष्ट्रीय जयस को उचित लगता है? राष्ट्रीय जयस जो हमेशा ये बोलता है कि ये संगठन मात्र आदिवासियों के लिए बनाया गया है, किसी राजनीतिक और किसी अन्य धर्म के लिए नहीं है, तो क्या आदिवासी को जयस बचा रहा है? ये मेरा चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न मेरा, राष्ट्रीय जयस के साथ धर्मांतरित और ईसाई बन चुके आदिवासियों को होने को ये समझना गलत है क्या कि राष्ट्रीय जयस धर्मांतरण को समर्थन करता है? जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि जितने लोग राष्ट्रीय जयस के साथ में काम कर रहे हैं कार्यकर्ता बन के, अधिकतर लोग धर्मांतरित हो चुके हैं और उन्हीं को लेके ये आंदोलन और रैलियां करवा रहे हैं, तो क्या जयस को लगता नहीं है? छठा प्रश्न, आदिवासियों पर कथित अत्याचार सामान्य वर्ग के द्वारा होता है ये आरोप लगाकर आप आंदोलन रैलियां करते हो, वहीं जब किसी आदिवासी भाई वीरेन सस्त्या की हत्या एक मुस्लिम समाज के द्वारा अलीराजपुर जिले में कर दी जाती है उसके लिए आपके मुंह बंद हो जाते हैं, तो क्या आपका संगठन, यदि आप आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं, आप खुद बोलते चिल्ला चिल्ला के कि हम हर समाज के साथ में हैं, हमेशा आपको सिर्फ आदिवासी की समस्याएं दिखाई जाती दिखती है और सर्वहारा समाज सवर्ण समाज के ऊपर आरोप लगा के आप आंदोलन रैलियाँ करते हो, क्या आपको ये अलीराजपुर वाली घटना आपको दिखाई नहीं दे रही है? आप इसके लिए आप रैली करोगे क्या? इसके लिए आप 10,000 युवक इकट्ठा करके अलीराजपुर जिले में लेके जाओगे? ये प्रश्न है मेरा। सातवां प्रश्न, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में आपको कांटे नजर आते हैं और कांग्रेस के लिए आप फूल बरसाते रहते हो, इसका भी आपको जवाब देना पड़ेगा यदि आप वास्तव में आदिवासी समाज का संगठन बनाए काम कर रहे हैं तो। आठवां, कांग्रेस नेता कमलनाथ राष्ट्रीय जयस को पूर्व से ही कांग्रेस का डीएनए बता रहे हैं और उनके इस बयान के आने के बाद में राष्ट्रीय जयस के जितने भी आला अधिकारी हैं, अफसर हैं, उनके हीरा लावा जी हों कि राजू पटेल जी हों कि आनंद राय जी हों, वो सब अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये समझा जाए क्या कि जो माननीय कमलनाथ जी ने बोला है कि जयस तो पूर्व से ही कांग्रेस का डीएनए है, अगर ये समझा जाए तो ये उचित भी होना चाहिए कि आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं इस बात का।